तो भाई कैसे हो आप सब। मैं ऐसे करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अपनी गायों को आज नए खेत का चारा डाल दिया है कुट्टी करके, और अच्छे तरीके से वो खा भी रही है और कोई दिक्कत नहीं। ये भी सभी गाय शांति से चारा खा रही है। और अभी फार्म के अंदर जो पहला पुराना चारा था वेस्टेज, वो हमने पूरा उठा लिया है। ये पूरा नया चारा है। पुराना चारा पूरा उठा के हमने वेस्टेज ट्रॉली के अंदर भर लिया है। अभी थोड़ी देर पहले ही भरा है और इसको हम उस वाले फार्म पे खाली करने वाले। उसमें टाइम है और भी भरना है ट्रॉली के अंदर, वो भी भरेंगे। और हमने कल अपनी छोटी बच्ची का नाम रखा था सरस्वती। और हमें एक भाई की कमेंट आई है कि आप अपनी छोटी बच्चिया का नाम गौरी रखो, तो गौरी नाम भी बहुत अच्छा है। तो इसका नाम हम गौरी रख रहे हैं, सरस्वती नहीं है अभी इसका नाम। छोटी बच्ची का नाम आज से है गौरी, तो इसका नाम हमने गौरी रखा है। गौरी भी बहुत अच्छा नाम है, हमें पहले आया नहीं ये नाम, तो हमने इसका नाम सरस्वती रख दिया था। लेकिन गौरी नाम भी अच्छा है, तो इसका नाम है अभी गौरी। तो बाकी अपनी सभी गाय अच्छी तरीके से चारा खा रही है फार्म के अंदर शांति से। ये रही, और सभी जगह का वेस्टेज निकाल के नया चारा दिया है। और अभी छोटे शैतानों को भी रखा था, लेकिन वो तो कुछ खा नहीं रहे। ये देखो लक्ष्मी को भी रखा है, बाहर चल के दिखाता हूँ कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है। तो ये देखो भाई साहब सुबह में मस्ती से आराम से सोए हैं यहाँ पे। इनको कोई दिक्कत नहीं, अभी गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया तो इनका यही रहेगा ठंडी जगह देख के सोना। बाकी टाइम तो ये खेल कूद कर देते, लेकिन अभी गर्मियों का सीज़न चालू हो गया तो ये थोड़ा आराम ही करते हैं। लक्ष्मी को भी रखा था, लक्ष्मी ने भी सही से खाया नहीं। उसका पुराना चारा रहता था तो अच्छे से खाती थी, लेकिन अभी नया चारा तो नहीं खाती। तो देखेंगे दोपहर तक नहीं खाएगी तो उसका पुराना चारा ही उसको दे देंगे। इस गाय को भी दे दिया था और ये भी सही से नहीं खा रही है, और काफ़ी सारा नीचे उसने गिरा दिया है। अभी जो चारा उसको पहले देखने को नहीं मिलता था, वो चारा वो खाती नहीं है। पहले तो देखने को भी नहीं मिलता था, पूरे ऐसे ही घूम के उसका पेट भरता था। अब तो इतना अच्छा सा चारा है, लेकिन अभी उसको और अच्छा चाहिए। अभी वो ठीक से चारा नहीं खाती। और इन दोनों शैतानों को इनको भी नया दिया है, लेकिन ये अच्छे से खा रहे, कोई दिक्कत नहीं। और ये खा भी जाएंगे, क्योंकि इनको भी चारे की थोड़ी समस्या होगी, क्योंकि रात को ये उस वाले फार्म पे रहते तो वहाँ पे रात को चारा मिलता नहीं। यहाँ पे रहते थे तो रात को भी चारा मिलता था, लेकिन अब वहाँ पे नहीं मिलता तो यहाँ पे अच्छे से खाते। राम जी भी नहीं खा रहे, राम जी भी बैठे हैं, नहीं तो ये भी खाते थे लक्ष्मी के साथ, लेकिन इनको भी आज का चारा नहीं पसंद। और ये आज साइड में है चारों शैतान, और इनको भी आज का चारा सुबह वाला पसंद नहीं है, तो ये भी नहीं खा रहे। इनका भी जैसे कि वैसे ही पड़ा हुआ है। और मैंने गायों से भी अच्छा इनको डाला है, पत्ती की साइड का जो चारा था कुट्टी करके पड़ा हुआ पत्ती की साइड वाला, वही चारा मैंने इनको दिया है, लेकिन इनको वो भी नहीं पसंद है। देखो नया चारा है लेकिन नहीं पसंद, तो दोपहर को इनको भी चारा वही पुराना वाला ही देंगे सूखा, नहीं तो ये खाली पेटी रहेंगे। तो अभी तो थोड़ी देर के लिए इंतज़ार है, उसके बाद ही हम इनको नया चारा देंगे। अभी दिखाता हूँ ट्रॉली के अंदर कितना वेस्टेज है। तो अभी ट्रॉली के अंदर इतना सारा वेस्टेज पड़ा हुआ है, और इससे तो उनका पेट नहीं भरेगा, लेकिन इसमें और भी बहुत सारा आने वाला है। तो कितना है मैं दिखा देता हूँ, पड़ा हुआ वो सब हम अभी ट्रॉली के अंदर भर लेंगे और उधर डाल के आएंगे। कल तो खेत में गए थे अपने खुद के, तो वहाँ पर उनका काम हो गया था, आज तो नहीं जाने वाले, तो आज उनके लिए यही से चारा ले जाएंगे। तो ये देखो इतना सारा चारा यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, तो ये पूरा भर लेंगे ट्रॉली के अंदर कुछ यहाँ पे सामने। तो यहाँ से पूरा हम चारा भर के ट्रॉली फुल कर लेंगे। फुल तो नहीं होगी, आधी से ऊपर हो जाएगी, लेकिन काफ़ी है इतना इतना चारा हम उनको आज देंगे। तो पहले अभी फटाफट से ट्रॉली लगा लेता हूँ यहाँ पे, और इस सारे चारे को भर लेता हूँ। और कल शाम को यहाँ पे जो चारा पड़ा होता थोड़ा बहुत, जो कि चाची जी और पिताजी ने उठा लिया, यहाँ से उठा के यहाँ पे देखो ये नीचे वाला ढेर अलग दिख रहा है कलर में, तो यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। तो अभी उस वाले फार्म से दोनों बैलों को लेके आना है। एक बैल को यहाँ बांध देंगे जो कि ये पूरा खा जाएगा, और एक वो सामने उधर एक, तो दोनों बैलों को अलग अलग बांध देंगे और दोनों ये खा जाएंगे। बाकी जो रहेंगे उधर उनके लिए हम यहाँ से वेस्टेज भर के ले जा रहे हैं। तो अभी भी ट्रैक्टर में चारा भर लिया है, और अभी लेके चलते वहाँ पे खाली करना है। और आज कुछ थोड़े बादल भी निकले हुए, तो थोड़ा बारिश का मौसम हो चुका है, तो बारिश कब आ जाए कह नहीं सकते। और थोड़ी
हवा आज बिल्कुल मतलब बंदी है, तो बारिश कभी भी आ सकती है। तो फटाफट ट्रैक्टर खाली करके उनको चारा खिला लेते हैं, ज़्यादा नहीं भरा, पीछे की साइड खाली है, यही पास में थोड़ा चारा है। और कबूतर ये देखो दोनों तीनों नीचे हैं, दाने खाने के लिए आए, और अपनी जो गौरी है वो फार्म के अंदर बंद है। तो अभी चलते हैं ट्रैक्टर को लेके, तो इसको वहाँ जाके खाली करेंगे। तो अभी वेस्टेज को डाल दिया है, सामने चार खा रहे, बाकी कुछ यहाँ पास में खा रहे। 11:30 बजे इनको खोला है, हर दिन ये 9 से 9:30 के बीच खोल जाते थे, और आज 11:30 बज गए अभी इनको खोला है। लेकिन यहाँ पे वेस्टेज है तो इनका पेट तो आराम से भर जाएगा। ज़्यादा कुछ कल भी पेट खाली नहीं था, कल खेत में खा लिया इसलिए यहाँ पे कुछ डाला ही नहीं था, लेकिन आज खेत में जाएंगे नहीं तो, और वेस्टेज और थोड़ा दूसरा चारा है तो पेट तो भर जाएगा। और खाने वाले कम है, ये देखो अभी जितने खा रहे इतने ही यहाँ पे पूरे दिन खाने वाले हैं। दोनों बैलों को चाचा जी एक रस्सी लगा रहे उस वाले फार्म पे ले जाने के लिए, अभी सामने हैं तो उन दोनों बैलों को लेके चलते हैं। मैंने जहाँ बताया था इन दोनों को वहीं पे बांधना है।
तो अभी लक्ष्मी को चने का भूसा दिया है और पानी इसको पहले ही पिला दिया, तो चने का भूसा अच्छे से खा रही। पहला जो चारा था सुबह वाला वो तो खाया नहीं था, तो मैंने चने का भूसा इसको रख दिया। पहला चारा भी है नीचे, उसी के ऊपर चने का भूसा दे दिया, तो अच्छे से खा रही। और इस साइड में इन दो शैतानों के लिए भी वही है, चने का भूसा डाल दिया पानी पिला के, ये भी खा रहे। सुबह वाला भी तो अच्छे से खा लिया था इन्होंने। इस गाय को भी चने का भूसा दे दे, पानी इसने पिया नहीं, सुबह थोड़ा पिलाया था तो उसी से उसका काम चल गया, अभी तो नहीं पिए। और चने का भूसा अच्छी तरह से खा रही है। और छोटे चारों शैतान भी चने का भूसा अच्छे से खा रहे, पानी पिला के उनको भी चने का भूसा दिया। उनका भी सुबह का चारा पड़ा हुआ था, उन्होंने भी खाया नहीं था, तो चने का भूसा वो भी अच्छे से खा रहे। राजा को भी टैंक में मैंने खाना दे दिया था, उसने भी वो खा लिया है। तो अभी काम हो चुके अपने सारे, दोनों बैलों को खेत में लेके मैंने बांधा था बड़ी लंबी रस्सी से, और उनको भी मैंने पानी पिला के छाव में भी ट्रैक्टर की ट्रॉली को बांध दिए हैं दोनों बैल, और ये अभी छाव में रहेंगे। और थोड़ी देर बाद जब ठंडक हो जाए मतलब शाम के टाइम, फिर से पुरानी जगह जहाँ मैंने पहले बांधी वही बांध देंगे। फार्म के अंदर गोबर था वो मैंने अभी उठा लिया था थोड़ी देर पहले, फिर से थोड़ा हो गया है आधी घड़े के आसपास, मैं अभी नहीं उठा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद उठा लूँगा जो भी है, थोड़ा बहुत और इकट्ठा हो जाए फिर बस एक साथ सारा उठा लूँगा। और नानी जी आई थी खेत में जो कि कर रही है अभी आराम, और अभी मैं खुराक की गोनियों को पहले काटने वाला हूँ, काट के फिर से सिलने वाला हूँ, और इसका जो बनाने वाला हूँ वो आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि जिसके बारे में ये क्या बना रहा हूँ पूरा एक डिटेल में, जो कि कुछ दिनों में 4-5 दिनों में आ जाएगी। और चाचा जी उस वाली फार्म की गाय चरा रहे वहीं पे वेस्टेज पे, तो वो उनको बंद करके थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, उतने टाइम में मेरा काम शुरू रखता हूँ। तो अभी अपनी फार्म के अंदर सभी गायों को बांध के रखा है, ये रही सभी गाय। और बच्चों का थोड़ा वेस्टेज था तो मैंने यहाँ डाल दिया, तो दोनों गाय अच्छे से खा रही है। और वेस्टेज नहीं बोल सकते क्योंकि जो बच्चों का वेस्टेज है वही अपनी गायों का सुबह शाम का चारा है, मतलब बच्चे जो वेस्टेज निकालते वही चारा हम अपनी गाय को, उसी हिसाब का चारा गाय खाती, मतलब बच्चों को बहुत अच्छा चारा मैं खिलाता हूँ। और फार्म के अंदर सभी जगह चारा डाल दिया है सूखा वाला, और सेप्टम के अंदर भी चने का भूसा रख दिया है, पानी भी छोटे भाई ने फार्म के अंदर सेप्टम के अंदर रख दिया, तो अंदर वाले सारे काम हो चुके हैं। और सामने अभी तक खेतों में बैल बंधे हुए हैं और वो फार्म पे रहने वाले, तो उनको उस वाले फार्म पे नहीं ले गए, और पूरा दिन उन्होंने आज यही बेचा रखा है। तो ये रहे, एक ये रहा सामने और एक ये रहा, और ये उस दिन की तरह आज भी सोया था। और हमारे मामा जी पड़ोसी अभी खेत पे आए, क्या बात है पता नहीं। और इस साइड में लक्ष्मी और राम जी, और इन दोनों की भी खुराक अभी खानी हो चुकी है, तो अभी ये जाएंगे दोनों सीधा अंदर। और अभी छोटा भाई कांच की बोतल में दवा ले रहा है क्योंकि अपनी गौरी थोड़ी बीमार है, तो गौरी को अभी दवा देनी है, नहीं भी देते तो भी चल जाता लेकिन राम जी की दवा बची थी तो हम अभी गौरी को पिला रहे हैं। ये देखो छोटा भाई डाल रहा है बोतल के अंदर, छोटी बोतल है छोटी सी, और इसका मुंह भी छोटा है तो गौरी आराम से दवा पी पाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं गौरी के लिए, तो गौरी को दवा पिला लेते हैं। और ये रहे छोटे शैतान, और इन चारों की भी खुराक खानी हो चुकी है, तो अभी सीधा सेप्टम के अंदर जाएंगे। एक इस साइड में बंधी हुई है और वो अपनी मतलब उनकी बाइक यहाँ छोड़ गए और ट्रैक्टर ले जा रहे, तो हमें उनकी बाइक लेके घर पे जाना है। और अभी सामने वाले खेत में उधर वाले खेत में रात को पानी चलेगा, तो राजा टैंक में आज नहीं रह पाएगा रात को, तो याद करके राजा को निकाल के उसके घर के अंदर बंद करना है। और पानी के अंदर यहाँ पे तरबूज डाला है जो कि आज दोपहर को खाना था लेकिन भूल गए, यहीं पे पड़ा है। और वो रहा सामने मोटर पे राजा बैठा, तो अभी जाएगा राजा खुद के घर में, तो चाचा जी और छोटा भाई गौरी को दवा पिला रहे। सही से पिलाओ।
तो अभी गौरी ने दवा पी ली है और थोड़ी बहुत उसने नीचे भी गिरा दी, लेकिन कोई बात नहीं, उससे उसका काम हो जाएगा और अब ये जल्दी ठीक हो जाएगी। गौरी उसका नाम, हाँ वही। और इनको भी अभी हम लक्ष्मी को लेके चलते हैं, पिताजी और छोटा भाई राम जी को लेके चलेंगे, चाचा जी गौरी की माँ का दूध निकालेंगे। तो कबूतर तो अपने अभी चले गए, तो उनका तो एक काम मुझे लगता है यहाँ से आगे तक तो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ दरवाज़ा बंद करने का, क्योंकि अभी वो फ़िलहाल अपने आप ही जा रहे हैं। तो अपने सारे काम हो चुके हैं, तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।